जरा से यहाँ खत्म ही नहीं हुआ। कर दो ऊपर तक, कोई नहीं निकल जाएगा बाहर तो। बस ओ भाई, फर्स्ट टाइम देखी है मैंने इतनी माइलेज यार, गजब की माइलेज दी है, गजब चीज़ तो हमने वालों ने सॉलिड बनाई है। नमस्ते सत्यकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इसने जो माइलेज दी है वो दी है 36 की अप्रोक्स, मतलब जो मीटर शो कर रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट शो कर रहा है। तो 36 की माइलेज दी है इसने मेरे को इस पर्ची के हिसाब से, यानी कि आप मान सकते हैं कि पूरा खींचने पे इतनी देगा ये, 35-40 के बीच में ही देगा। तो ये माइलेज निकली है इसकी फुल थ्रॉटल के साथ। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ और इसको भी कर लेते हैं जीरो, ट्रिप को भी कर लेते हैं जीरो। और अब घर की तरफ जाते हुए सेम डिस्टेंस कवर करेगी बाइक, और इस बार घर की तरफ जाते हुए इसको इको की लाइट को मैं बुझने नहीं दूंगा। तो देखेंगे कि हाईवे पे इको में कितनी देती है ये माइलेज। तो चलो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं इको पे कितनी स्पीड तक इको की लाइट दिखाती है ये। एक यार इसका 64 तक दिखाया था इसने इको, यानी कि 60 और 64 के बीच में हम चलाएंगे तो इको मोड पे रहेगी ये। अगर थ्रोटल हम ज़्यादा तेज देंगे तो इको मोड हट जाता है, तो नॉर्मली ही थ्रोटल देंगे हम इसको और इको मोड पे ही चलाएंगे। बट यार इसकी ना सबसे घटिया बात क्या है यार, कि ये 55 से लेकर 60 के बीच में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है यार। 80 से मतलब 60 से ऊपर आप भगाओगे 70-80 पे नहीं करेगी, 90 पे नहीं करेगी इतनी वाइब्रेशन, और 55 से नीचे नहीं करेगी, लेकिन 55 से 60 पे बहुत गंदी वाइब्रेशन आती है, अपने पे भी आती है और हैंडल पे भी आती है वाइब्रेशन। तो साला बड़ा औखा यार इसको चलाना है इस पे ना, लेकिन अब ले लिया है चैलेंज तो इको पे ही चलाएंगे इसको। बस कहीं पे अगर इमरजेंसी हुई और जैसे ओवरटेक करना हुआ किसी चीज़ को तभी तेज चलाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब तो अपने आप चलेगी यार, ये थोड़ा नीचे को आ गई, ढलान आ गई थी इसलिए अपने आप इतनी आगे चली गई। अब मैं क्या करूँ, इको पे कैसे लाऊँ इसको, इको पे आ जा, इको पे। वैसे यार इको की स्पीड पे पहुँचने में टाइम तो काफ़ी लग जाएगा मेरे को, लेकिन अब टेस्ट कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं। और हाँ, मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा था कि भी बिल्कुल अगर खींच के चलेंगे थ्रॉटल फुल दे के रखेंगे तो हाईवे पे कहीं ना कहीं 35-40 के बीच में ही देगी माइलेज, और उतनी ही दी है इसने, क्योंकि वो मैं पहले भी मिनिमम माइलेज टेस्ट, मतलब उससे नीचे तो देगी नहीं, 35 से नीचे तो इसकी माइलेज है ही नहीं, जिस तरह मर्जी चलाओ आप। और थोड़ा सा बीच में वो भी फ़र्क पड़ गया कि मैंने जो टोचन लग गया था, एक लात लगाया था, शायद उसका भी फ़र्क पड़ गया हो, और किसी की भी हेल्प करनी थी तो कर दी भाई। अब देखते हैं इको मोड में कितना ये हमें माइलेज देती है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सारा नितिन गडकरी जी का काम चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हाईवेज मतलब बहुत तगड़े हाईवेज बन रहे हैं अपने। अभी रिसेंटली मैं मनाली जाकर आया था भाई, कहाँ हम वहाँ पर 12 घंटे में पहुँचते थे और कहाँ 6 घंटे में रुक रुक के पहुँच गए यार। इतना शॉर्ट हो गया रास्ता। बाकी ओवरऑल हाईवे की इसकी मेरे को परफॉर्मेंस फास्ट में बहुत बढ़िया लगी है, बहुत खींची थी मैंने, 90-90 आराम से गई और बढ़िया चली है, कोई वाइब्रेशन नहीं, फालतू भी करती 90 पे, लेकिन 60 पे करती है यार। है तो यामा ने मास्टरपीस बनाया ये भी दोस्तों, इस स्पीड पे चला चला के यार नींद आने लग रही है। इतनी हौली हौली हौली, और अंधेरा भी होने लगा है। टाइम कितना हो गया है, 6:51, 7 बजने वाले हैं यार। दोस्तों चलते चलते अंधेरा हो गया यार, इस स्पीड पे तो ऐसा बैंड बज रही है ना कमर की भी, बड़ा मुश्किल है यार हाईवे पे इतनी स्पीड पे चलाना इको पे। और अभी आपको आगे एक दिखाता हूँ चीज़ यार, डीजे डूजे लगा रखा है, म्यूजिक सिस्टम कैंट है, मज़ेदार है। एलईडी उलूडी लगा रखी है बिल्कुल ट्रैक्टर पे, एन बना रखा है, भी जाम लग जाता पंजाब में तो। कमाल ही है यार, ये उल्टी ये देखने एक साले बीच में घुसते हैं जाके, उस चक्कर में जाम लगा देते हैं। बहुत ट्रैफिक है यार, बहुत जनता, हद से ज़्यादा ट्रैफिक हो गया खरड़ में तो यार, मोहाली खरड़, चंडीगढ़ में भी हो रहा है।
पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होगा। एक पॉपुलेशन नियंत्रण वाला आना चाहिए यार कानून, वो बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए। तो लो जी लो दोस्तों, 55 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुका है स्कूटर और हम पहुंच चुके हैं फ्यूल स्टेशन पर। कमर की बैंड बज गई यार इको मोड पे। अब देखते हैं कितनी माइलेज दी है इसने। पावर है कि नॉर्मल है जी? नॉर्मल का है, पूरे में नहीं है। लो जी ये भी पंगा साला, पर क्वांटिटी तो सेम ही आनी है। चलो डाल दो, भर दो ये ऊपर तक। अरे जरा से यहाँ ख़त्म ही नहीं हुआ। कर दो ऊपर तक, कोई नहीं निकल जाएगा बाहर तो। बस बस मतलब थोड़ा सा और कर दो, बस पर्ची दे देना इसकी। तो थोड़ा सा नीचे है जहाँ जब हमने वहाँ पे तेल डलवाया, तो थोड़ा सा नीचे है, ज़्यादा नहीं है। और फुल हो चुका है, अब की बार पावर मिला था पेट्रोल। तो लाइट से देख लो, बिल्कुल ऊपर तक ही है, यहाँ तक ही है। तो अब देखते हैं क्या माइलेज मिली है, क्योंकि लीटर में क्वांटिटी तो सेम ही होगी, उसमें तो फ़र्क आएगा नहीं। देखते हैं क्या माइलेज दी है इसने हमें। 55 किलोमीटर चल चुकी है हाईवे में इको मोड में। हम 55 नहीं कंसीडर करेंगे इसको, 54 किलोमीटर के हिसाब से कंसीडर करेंगे। और चलो देखते हैं इसमें कितनी दिखा रहा है। ओ भाई व्हाट, क्या बात है यार। 60 की स्पीड पे स्कूटर चला है और चला है अप्रोक्सीमेटली 54 किलोमीटर लगा के चलो आप। और जो मीटर पे दिखा रहा है वो दिखा रहा है 67.3 की माइलेज। अब कैलकुलेट करते हैं कितनी है अमाउंट। 0.64, तो 54 0.64। ओ अब मान के चलो यार 75 के अराउंड। तो जो इसमें माइलेज दिखा रहा है और जो इसमें दिखा रहा है, मतलब इसमें भी फर्स्ट टाइम देखी है मैंने इतनी माइलेज यार। मीटर पे भी फर्स्ट टाइम देखी है 67.3। तो जो एक्चुअल में निकल रही है वो निकल रही है 84 की। तो आप मान के चल सकते हैं 75 की माइलेज इसने आराम से दी है। क्या बात है यार, माली होगी यार। ये देख लो पर्ची 64 लीटर डला, भाई साहब गजब की माइलेज दिया, गजब। आज तक नहीं देखा मैंने मीटर पे, चीज़ तो यामा वालों ने सॉलिड बनाई है भाई साहब। क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने सिटी माइलेज टेस्ट किया था जिसमें इसने मेरे को 68 की माइलेज दी थी, उस टाइम यहाँ पे 59 शो कर रहा था, आज 67 शो कर रहा है। 67.3 इको मोड पे, 60 की स्पीड पे मान के चलो आप, 61.2 होती रह रही थी। तो भाई गजब ही है यार, मान गए यामा को यार हाइब्रिड को। तो ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी वीडियो बनानी थी, शायद मेरी इस वीडियो से किसी को हेल्प मिल सके डिसीजन लेने में। तो मेहनत तो लगी है, कम से कम 100 किलोमीटर चलाई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।